सुशांत को इंसाफ नहीं मिल रहा क्योंकि मुंबई पुलिस की जांच सुशांत के साथ नहीं संदिग्धों के साथ है। हिंसा ब्रिगेड की बात करता हूं, इसका दायरा बहुत बड़ा है। चाहे आरक्षण के नाम पर हिंसा हो, चाहे सीए के खिलाफ हिंसा हो। पहले कहा गया कि डबल होने का रेट भारत में कम है, जब तेजी से डबल होने लगा तो इसे छोड़ दिया गया और कहा गया कि कुल संख्या की जगह एक्टिव रेट देखा कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने जो वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार सृजित किए जाएंगे हर साल, मतलब 12 करोड़ रोजगार मिलते, वो जुमला था। आप ये मान रहे हैं, ये कह रहे हैं। हमारे देश का गोदी मीडिया कुछ गिने चुने मुद्दों को ही अहमियत देता है और असल मुद्दों को नजरअंदाज कर देता है, और वहीं दूसरी ओर वही मुद्दे आजाद मीडिया द्वारा अपने शो के लिए उठाए जाते हैं जिन्हें मीडिया नजरअंदाज करता है। हम आज देखेंगे कि गोदी मीडिया और आजाद मीडिया ने पिछले 5 डिबेट्स में किन मुद्दों को तवज्जो दी और किसने सरकार से सवाल किए। पहले बात करते हैं रिपब्लिक टीवी के वरिष्ठ पत्रकार अर्णब गोस्वामी की। आइए देखते हैं अर्णब ने पिछले 5 डिबेट्स में किन मुद्दों को अहमियत दी। पहला, 60 दिन हुए मुंबई पुलिस की जादू वाली जांच, बेनतीजा कैसे। दूसरा, एक चमत्कार, बिना FIR मुंबई पुलिस की रिपोर्ट तैयार। तीसरा, सुशांत को इंसाफ दो, अपमान नहीं। चौथा, सुशांत के गले पर चोट का सर्च, बेपर्दा। और पांचवा, अर्णब का ऐलान, जब तक नहीं मिलेगा सुशांत को इंसाफ उठाते रहेंगे आवाज। आपने देखा कि अर्णब ने सुशांत के मुद्दे पर ही डिबेट की। सुशांत को इंसाफ मिलना चाहिए ये तो पूरा देश मांग रहा है, पर बाकी देश के मुद्दों को भी अहमियत देनी जरूरी है। पर अर्णब ने सुशांत के मुद्दे पर मुंबई पुलिस से सवाल किए और कई आरोप भी लगाए। देशवासियों, सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की मांग अब सिर्फ भारत की नहीं पूरी दुनिया में हो रही। हमारी मुहिम को पूरी दुनिया में समर्थन मिल रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि 60 दिन यानी कि पूरे 2 महीने बीत जाने के बाद भी मुंबई पुलिस यह नहीं बता पाई कि सुशांत की हत्या किसने की। 60 दिन बाद भी महाराष्ट्र सरकार सुशांत की संदिग्ध मौत को आत्महत्या मान रही है। जरा सोचिए, जिसे इंसाफ दिलाने के लिए पूरा देश आवाज उठा रहा है उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, तो आम आदमी को इंसाफ कैसे मिलेगा, किस केस में मिलेगा? सोचिए, सुशांत को इंसाफ नहीं मिल रहा क्योंकि मुंबई पुलिस की जांच सुशांत के साथ नहीं संदिग्धों के साथ है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने सबूत खोजे कम, सबूत मिटाए ज्यादा। अब बात करते हैं न्यूज 18 के वरिष्ठ पत्रकार अमीश देवगन की। अमीश अक्सर अपनी डिबेट हिंदू मुस्लिम पे करते हैं और जनता की जरूरत के मुद्दे कम ही उठाते हैं। आइए जानते हैं कि अमीश ने पिछले 5 डिबेट किन मुद्दे पर किए। पहला, देश चला के बचाएंगे संविधान, दंगाई सोच से आजादी कब। दूसरा, सुशांत के परिवार से बोलने की आजादी छीन लेंगे, धमका कर देंगे सुशांत को न्याय। तीसरा, देश पर भारी एड़, देश संविधान से चलेगा या दंगा तंत्र से। चौथा, सब रुकावट का खेल है, सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच से किसको आंच। और पांचवा, राम मंदिर के बाद सबको याद आया हिंदू वोट बैंक, परशुराम सेकुलर पर घमासान। अमीश ने भी सुशांत के मुद्दे पर और कम्युनल डिबेट पर ही जोर दिया। अमीश ने अपनी डिबेट में बेंगलुरु में हुई हिंसा के मुद्दे पर कुछ लोगों को निशाना बनाया और CAA का जिक्र भी किया। क्या देश में सुनियोजित हिंसा का कोई तंत्र काम कर रहा है? क्योंकि बेंगलुरु में जो हुआ वो पूरे देश को झकझोर देने वाला है। कांग्रेस के एक विधायक का रिश्तेदार फेसबुक पे एक पोस्ट लिखता है, आरोप है कि ये पोस्ट भड़काऊ था, लेकिन सवाल यह है कि ये सजा कौन देगा? सजा कोर्ट से होगी, पुलिस देगी, हजारों लोगों की भीड़ खुद सड़क पर निकलकर फैसला सुना देगी कि हम आज से शहर को आग लगाते हैं। आखिर कैसे चंद घंटों के भीतर हजारों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस ताकती रही, पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ हुई, गाड़ियां फूंकी गई, यहां तक कि विधायक के घर पर भी हजारों की भीड़ जमा हो गई। आखिर इस दंगा तंत्र का हेड़ा बड़ा हैंडलर कौन है? और जब मैं दंगा तंत्र की बात करता हूं तो हिंसा ब्रिगेड की बात करता हूं। इसका दायरा बहुत बड़ा है, चाहे आरक्षण के नाम पर हिंसा हो, चाहे सीए के खिलाफ हिंसा हो, भीमा गोरेगांव की हिंसा हो, ये सब देश के लिए गलत है। अगर बात करें देश में अन्य मुद्दों की तो देश में कोरोना के कुल आंकड़े 26,50,000 के पार चल गए हैं और इस पर ना तो मीडिया में कोई चर्चा है और ना डिबेट। इसको लेकर सरकार की क्या चिंता है, इस पर भी मीडिया से कोई सवाल नहीं कर रहा। अब बात करते हैं दूसरी तरफ की मीडिया की, जो बेबाकी से सरकार से सवाल करता है। पहले बात करते हैं NDTV के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की। रवीश अपने शो में जनता के मुद्दे पर सरकार से सवाल करते हैं। आइए जानते हैं कि उन्होंने पिछले 5 डिबेट्स किन मुद्दों को लेकर की। पहला, बेंगलुरु की हिंसा का जिम्मेदार कौन। दूसरा, यूपी में अपराधी कौन तय करना मुश्किल।
तीसरा, बेंगलुरु में आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर हिंसा। चौथा, क्या कोरोना वायरस संकट में आंकड़ों की बाजीगरी ज्यादा। और पांचवा, बिहार से कब खत्म होगा बाढ़ का खतरा। रवीश ने अपने डिबेट के जरिए जनता की परेशानियों को सरकार के सामने रखा भी और सवाल भी किए। रवीश ने अपने शो के जरिए कोरोना के आंकड़ों को किस तरह मैनिपुलेट किया जाता है इस पर भी बात की। आप जानते हैं कि कोरोना महामारी के विश्लेषण के लिए कई तरह के रेट कई दिनों से चल रहे हैं। इन रेट का मुख्य काम हो गया है महामारी को छोटा दिखाना। जैसे ही महामारी बड़ी दिखने लगती है, एक नया रेट आकर उसे छोटा दिखाने लगता है। पहले ये रेट जान लीजिए कि कौन कौन है। डबलिंग रेट है, रिकवरी रेट है, एक्टिव रेट है, पॉजिटिविटी रेट है, डेथ रेट है, रिप्रोडक्शन रेट है, केस फर्टिलिटी रेट है। पहले कहा गया कि डबल होने का रेट भारत में कम है। जब तेजी से डबल होने लगा तो इसे छोड़ दिया गया और कहा गया कि कुल संख्या की जगह एक्टिव रेट देखा कीजिए, यानी कितने लोग संक्रमण से ठीक नहीं हुए हैं। फिर कहा गया कि रिकवरी रेट ठीक हो गया है। डेटा को हांक हांक कर उसे घोड़ा बनाया जा रहा है ताकि अपनी मर्जी के हिसाब से दौड़ लगाने लगे और लोगों के बीच बहस की दिशा बदल जाए। चीन में रिकवरी रेट करीब 94% है, पाकिस्तान में रिकवरी रेट 92% है। यकीन करेंगे, कर लीजिए। अब बात करते हैं न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी की, जो अपने डिबेट में सत्ता सरकार से सवाल करते रहते हैं। आइए देखते हैं उन्होंने पिछले 5 डिबेट किन मुद्दों पर किए। पहला, क्या अब चाइना पाकिस्तान को उन्हीं की भाषा में जवाब देने का वक्त आ गया है। दूसरा, आत्मनिर्भरता ही मोदी का राम राज्य है। तीसरा, बेरोजगार कब बनेगा सबसे बड़ा मुद्दा। क्या 15 अगस्त को होगा एक और बम्पर पैकेज का ऐलान। कल लाल किले से मिलेगा बेरोजगारी का मंत्र। संदीप ने अपने डिबेट के जरिए सरकार से सवाल किए। संदीप ने बेरोजगारी के मुद्दे पर भी बात की और बीजेपी नेता से उनको रोजगार देने के वादे को लेकर सवाल भी किए। तो गोपाल कृष्ण अग्रवाल, बेरोजगारी एक समस्या है कि नहीं है? देश में बेरोजगारी समस्या थी, है और आने वाले समय में भी, क्योंकि हमारे यहाँ पे जनसंख्या बहुत बड़ी है। मेरा सवाल ये, तो 6 साल पहले आपने, प्रधानमंत्री मोदी ने जो वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार सृजित किए जाएंगे हर साल, मतलब 12 करोड़ रोजगार मिलते, वो जुमला था। आप ये मान रहे हैं, ये कह रहे हैं? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि रोजगार की जो आप बताना चाह रहे हो, जनता को भ्रमित करना चाह रहे हो। मैं भ्रमित कर रहा हूँ? सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, वो नहीं है रोजगार की। नहीं, मैं सरकार की बात नहीं, वो कौन से 2 करोड़ रोजगार किस किस क्षेत्र में सृजित किए जाने थे, कितने किए, ये बता दीजिए। हाँ, गोपाल बाबू, 15 करोड़ तो मुद्रा लोन दिए सरकार ने। 15 करोड़ में से लगभग 60% नए लोन है। 46,000 रुपए में रोजगार चल रहा है सबका। एक बार 46,000 रुपए मिल गए और रोजगार सृजित हो गया। तो आपने खुद ही देखा कि दोनों तरफ के मीडिया ने किन मुद्दों को अहमियत दी। हम उम्मीद करेंगे कि हमारा मेनस्ट्रीम मीडिया भी सरकार से जनता के मुद्दों पर सवाल करना शुरू करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।